आज मैं आपको चना दाल से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यकीन मानिए, ऐसी रेसिपी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये चना दाल। चना दाल को अब हम अच्छे से धो लेते हैं। चने की दाल को आपको 2 से 3 पानी अच्छे से रगड़ के धोना है। 2-3 पानी अच्छे से धो ले। ये देखिए, इस तरीके से आपको चने दाल को धोना है। चना दाल हमारा अच्छे से धुल गया है। अब हम एक थाली लेते हैं। थाली में एक साफ कपड़ा बिछा दें और उसमें चना दाल को डालें। ये देखिए, मैंने सारे चना दाल डाल लिए हैं। अब इसको कपड़े से इसके मॉइस्चर को सुखाए, इसका पानी जो है वो सूखना चाहिए। ऐसे करके पानी को सुखाए और इसे फैला के आधे घंटे के लिए पंखे के सामने रख दे ताकि इसका पूरा मॉइस्चर है वो सूख जाए और चना दाल अच्छे से ड्राई हो जाए। चना दाल हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये है 5-5 रुपीज़ वाली चौको ट्रीट बिस्किट। बिस्किट को रैपर से निकाल कर हम प्लेट पर रख लेते हैं। ये रहे हमारे बिस्किट। बिस्किट को, ये क्रीम वाले बिस्किट है। आप चाहे तो कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट को मिक्सर जार में डालकर बारीक बारीक टुकड़ों में ऐसे तोड़ लीजिए। मैंने पूरे बिस्किट को तोड़ लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने बिस्किट को अच्छा चिकनाई से पीस लिया है। आधा घंटा हो चुके हैं, चना दाल हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए, ये सूखे हो गए हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई में तेल डालें। आप चाहे तो यहाँ पर घी या डालडे का यूज भी कर सकते हैं। तेल अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब इसमें डालें चना दाल को। तेल में डालने के बाद चना दाल को अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। याद रखिए, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर चना दाल को अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। ये देखिए, चना दाल हमारे गोल्डन हो गए हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल ले। ये देखिए, चना दाल हमारे एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दे ऐसी खुला, क्योंकि ये इसको ठंडा होने दे। ठंडे होने के बाद इसको जार में भरकर पीस ले। अब हम मिक्सर जार में डालेंगे फली दाने। मैंने इसको सेक कर इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इसमें डाले इलायची। अब इसमें डाल दे नारियल का चूरा। अब इसको चिकना पीस ले। ये देखिए, हमारे नारियल, फली और इलायची अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अच्छे से पिसा गए हैं। चना दाल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मिक्सर जार में भर लेते हैं और इसको चिकनाई से पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने चना दाल को अच्छा पीस लिया है। अब इसको एक प्लेट में डालकर और बचे हुए चना दाल को भी हम इसी तरह चिकनाई से पीस लेते हैं। बाकी बचे हुए चना दाल भी हमारे अच्छे से पीस कर रेडी हो चुके हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है।
कढ़ाई को गर्म होने दीजिए। कढ़ाई गर्म हो जाए तब उसमें 2 कप जैसे दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद उसमें 1 चम्मच घी डालिए। घी को अच्छे से मिला लीजिए। अब उसमें जो मिक्सर हमने पीस कर रखा था, मूंगफली, नारियल का चूरा और इलायची वाले, उसको डाले। उसको डालकर अच्छे से मिला ले, अच्छे से मिल जाए। उसके बाद उसमें डाले चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी डालकर चीनी को अच्छे से मिला लीजिए। चीनी को 2 मिनट तक पका लीजिए। चीनी अच्छे से घुल जाए। ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें जो हमने चना दाल पीस कर रखे थे उसको डाल दे। पीसे हुए चना दाल डालने के बाद दूध में चना दाल का मिश्रण को अच्छे से मिला लीजिए। याद रखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, बिल्कुल कम आंच में ही इसको पकने देना है। अच्छे से मिश्रण को मिलाकर चम्मच चलाते रहिए। पीसे हुए चना दाल डालने के बाद दूध में चना दाल का मिश्रण को अच्छे से मिला लीजिए। याद रखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, बिल्कुल कम आंच में ही इसको पकने देना है। अच्छे से मिश्रण को मिलाकर चम्मच चलाते रहिए। ये देखिए हमारा चना दाल वाला मिश्रण अच्छे से मिल गया है। मैं इसे चम्मच से चलाते ही जा रही हूँ, आपको भी इसी तरह चलाते जाना है। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद चना दाल हमारे पक गए हैं। अब इसको एक मोल्ड ले लीजिए और मोल्ड में चना दाल के इस बने हलवे को मोल्ड में रखिए। ये देखिए मैं मोल्ड में इसको डाल रही हूँ। डाल के इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इसको आधा से 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए सेट होने के लिए। मैंने पूरा हलवा मोल्ड में नहीं डाला था, मैंने कढ़ाई में थोड़े से हलवे और बचा दिए थे। इसका मैं एक अलग ही मिठाई अभी आपको बना के दिखाऊंगी। एक कटोरी में आधा कप दूध ले और इस दूध में जो हमने बिस्किट को पीस कर रखे थे उसको मिला दे। बिस्किट को दूध में बहुत अच्छे से मेल्ट करे। ये देखिए मैं कैसे मेल्ट कर रही हूँ। 2-3 मिनट तक ऐसे ही मेल्ट कीजिए जब तक कि बिस्किट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। 2-3 मिनट तक कंटिन्यू मेल्ट करने के बाद ये देखिए बिस्किट हमारे दूध में अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब हम इसको जो कढ़ाई में चना दाल वाला हलवा बचाया था उसमें डालेंगे। गैस पर हमारी कढ़ाई चढ़ी है, गैस हमारा मीडियम फ्लेम पर है। अब हम इसमें बिस्किट वाला मिश्रण धीरे धीरे करके डालेंगे। डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। इसको धीमी आंच पर ही रखकर कुक करना है। धीरे धीरे करके इसको मिला ले। इसको भी हमें चम्मच चलाते रहना है। 5 से 10 मिनट तक पकाना है जब तक कि सारा पानी दूध एब्जर्ब ना हो जाए, अच्छे से ड्राई हलवे के रूप में ना आ जाए। ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम एक मोल्ड लेते हैं और मोल्ड में रख देते हैं। मोल्ड में अच्छे से डालकर इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको डालकर अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए दोनों को मैंने मोल्ड में रख दिया है। अब इसको भी हम रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए आधा से 1 घंटा रख देते हैं। हमारी मिठाई सेट हो गई है। ये देखिए दोनों
अब हम इसको चाकू से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने मूंगफली और काजू को बारीक टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दिया है। जो चौकोन दिख रहे हैं वो चना दाल वाला मिठाई है हमारा, और जो गोल गोल पेड़े के शेप में है वो बिस्किट और चना दाल वाला मिक्स वाला मिठाई है। ये देखिए इसको मैंने गोल गोल पेड़े का शेप दे दिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं या तो ऐसे ही कटे रहन दे सकते हैं। कितने अच्छे से एक कटोरी चना दाल और 5 रुपए के बिस्किट से ये 2 प्रकार की मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।